हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना बताऊंगा। दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, क्या होता है कि किसी की ITI पूरी हो जाती है, लेकिन उसको माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, आप अपने साथ ऐसा मत कीजिए। आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 2 सेकंड में आप माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालने का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए, और वहाँ हमारे अपलोड किए गए सारे वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे अल्पतमांक कहते हैं। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स का मेट्रिक पद्धति में लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm और ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 inch होता है। तो दोस्तों, ये डायरेक्टली सबको पता होता है, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे कि आप हमें निकाल कर बताइए, तो आप कैसे निकाल कर बताएंगे? तो मैं इस वीडियो में आपको निकाल कर बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं इस अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने पूरा वर्नियर कैलिपर नहीं बनाया है। इसमें क्या है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत पूछा जाता है। वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स 2 स्केलों के मानों के अंतर पर कार्य करता है। दोस्तों, इसमें 2 स्केलें होती हैं, एक मेन स्केल होती है और एक होती है वर्नियर स्केल। दोस्तों, मेन स्केल जैसे ही हम स्केल यूज़ करते हैं, जिस तरीके का उस पर ग्रेजुएशन बना होता है, उसी तरीके का ग्रेजुएशन इसकी मेन स्केल पर बना होता है। और जो नीचे दोस्तों होती है, उसकी जो मूवेबल जा होते हैं उन पर वर्नियर स्केल बनी होती है। तो दोस्तों, मेट्रिक वर्नियर कैलिपर में क्या होता है दोस्तों, जब हम दोनों स्केलों को बिल्कुल बंद करते हैं, दोनों जबड़ों को बिल्कुल बंद करते हैं, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 बिल्कुल सीध में आ जाते हैं। तब दोस्तों क्या होता है कि मेन स्केल के 49 भाग जो होते हैं, वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जब हम बिल्कुल उनको दोनों जबड़ों को बंद करते हैं, तो क्या होता है कि मेन स्केल के 49 भाग बराबर होते हैं वर्नियर कैलिपर्स के 50 भागों के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट काउंट निकालने का इसमें फार्मूला होता है, जो मेन स्केल के 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दोस्तों यहाँ पर मेन स्केल के 1 भाग का मान कितना होगा? दोस्तों 1 मिलीमीटर होगा 1 भाग का मान, क्योंकि इसमें 1 mm के भाग अंकित होते हैं मेन स्केल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसमें मेन स्केल के 49 भाग जो होते हैं वर्नियर के 50 भागों के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे मेन स्केल के 49 भाग बराबर वर्नियर के
तो दोस्तों जैसा कि हमको फार्मूले में मान रखने हैं मेन स्केल के एक भाग का मान जो कि हमको मिल चुका है, मेन स्केल के एक भाग का मान है 1 मिलीमीटर। अब हमको दोस्तों यहाँ पर निकालना है बर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों यहाँ पर मेन स्केल के 49 भाग जो होते हैं बर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होते हैं। या दोस्तों हमको बर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे बर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के, दोस्तों मेन स्केल के 49 भागों के बराबर होंगे बर्नियर स्केल के 50 भाग। तो दोस्तों हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों तब बर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इधर कितने थे 49 और 49 को हमको भाग करना पड़ेगा 50। तो दोस्तों ये आया है बर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों जैसा कि दोनों निकल आए हैं, अब मेन स्केल के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर हमारा निकल आया है और बर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकल कर आया है 49/50। तो दोस्तों अब हम इसको किस में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। तो दोस्तों सूत्र जैसा कि था मेन स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों मेन स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आया है 1 मिलीमीटर। और दोस्तों इसमें से हम माइनस करेंगे बर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों बर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आया है 49/50। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 50-49/50। तो दोस्तों ये आपका निकल कर आएगा 1/50। और दोस्तों जब हम इसको भाग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसा कि सूत्र था मेन स्केल के एक भाग का मान निकल कर आया था 1 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर हो गया। फिर हमको इसमें से माइनस करना है बर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों बर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकल कर आया था हमारा 49/50, तो हमने माइनस कर दिया 49/50। तब जब दोस्तों हम इसको हल करेंगे 50-49/50=1/50, और जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02 mm। तो दोस्तों यही होता है मेट्रिक बर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। अब दोस्तों आप इसको निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको, ब्रिटिश सिस्टम में इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें भी दो स्केलें बनी होती हैं, एक मेन स्केल होती है और एक होती है वर्नियर स्केल। तो दोस्तों मेन स्केल जो इसमें होती है वो इंच में बनी होती है और 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद उस प्रत्येक भाग को भी 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसको जब हम इसके दोनों जबड़ों को बिल्कुल बंद करते हैं, तो जब मेन स्केल का 0 और बर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल सीध में होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेन स्केल के 24 भाग जो होते हैं बर्नियर स्केल के
25 भागों के बराबर होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, मेन स्केल के 24 भाग बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के 25 भागों के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसके एक इंच, दोस्तों इसके एक इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, 10 भाग। फिर उन 10 भागों को भी 10 भागों को 4 बराबर, 4 बराबर भागों में बांटा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक भाग को जब 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो 10 चौके कितना हो जाएगा, सब भाग हो जाते हैं 1 इंच में सब। दोस्तों कुल भाग इसमें कितने हो जाते हैं, कुल भाग हो जाएंगे आपके 40। तो दोस्तों इसमें इसके मेन स्केल के, तो दोस्तों यहाँ पर एक इंच में जो हो जाते हैं कुल भाग आपके 40 हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर हमको निकालना है मेन स्केल के एक भाग का मान, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 40 भाग जो हैं, 40 भाग बराबर होता है एक इंच। तो दोस्तों हम इसके सबसे छोटे खाने का मान, ये है सबसे छोटा भाग, तो इस सबसे छोटे भाग का मान जब निकालेंगे तो दोस्तों इसमें लिखते हैं हम मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक, मेन स्केल के एक भाग का मान बराबर, तो दोस्तों एक इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया। तब हम इसको एक को 40 से भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा मेन स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें जो होते हैं मेन स्केल के 24 भाग बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के 25 भाग। तो दोस्तों यहाँ पर हम, मैं लिखूँगा वर्नियर स्केल के, चूंकि वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर मेन स्केल के 24 भाग। तो दोस्तों मेन स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आया, 1/40। तो दोस्तों मेन स्केल के 24 भागों का मान कितना होगा, 24 भागों का मान कितना होगा। दोस्तों एक भाग का मान निकल कर आया था 1/40, तो 24 भागों का मान कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों 24 भागों का मान कितना हो जाएगा, 24/40। दोस्तों अब हमको क्या पता चल गया है, अब हमको निकालना है वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों वर्नियर स्केल के एक भाग का मान बराबर 24। दोस्तों इसके मेन स्केल के 24 भागों का मान कितना आया था हमारा, 24/40। और दोस्तों इस 24/40 को ही, जब 24/40 भागों के बराबर होंगे मेन स्केल के 24 भाग जो होंगे,
बर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होंगे और मेन स्केल के 24 भाग का मान आएगा 24/40। ये स्टेप ही हमको सबसे ज़्यादा याद रखना है। तो मेन स्केल के 24 भागों का मान होगा 24/40, मेन स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब इसको भाग करेंगे 25 से। तो दोस्तों ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 24/1000। तो दोस्तों यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। दोस्तों मेन स्केल के एक भाग का मान हमको मिल गया है 1/40, और दोस्तों बर्नी इसमें क्या होता है, बर्नियर के 25 भाग बराबर होते हैं मेन स्केल के 24 भागों के। तो दोस्तों इसमें 24 भागों का मान कितना होगा, जब एक भाग का मान 1/40 निकल कर आया था तो 24 भागों का मान भाई क्या होगा, 24/40 ही तो होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालने के लिए 24/40 को भाग करेंगे हम बर्नियर के 25 भागों से। तो दोस्तों यहाँ पर बर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकल कर आएगा 24/1000। तो दोस्तों जैसा कि सूत्र था, लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र था, दोस्तों लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र जो मैंने बताया था, मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस बर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो दोस्तों यहाँ पर मेन स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आया, था 1/40। अब दोस्तों इसमें से हम माइनस करेंगे, बर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना निकल कर आया है, 24/1000। तो दोस्तों आप इसको हल करिए कितना आएगा, दोस्तों इसका एलसीएम 1000 ही आएगा, 1000। और दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 40/25, ये यहाँ पर 25 आएगा और माइनस 24 बराबर, दोस्तों आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/1000। तो दोस्तों इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.001 इंच। दोस्तों यही होता है ब्रिटिश बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद में जो है, मैं आपको दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको रीडिंग निकालना बताऊँगा बर्नियर कैलिपर्स की, मेट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में। दोस्तों माइक्रोमीटर का मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो दोस्तों इसमें केवल मैं बर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट रीडिंग निकालना बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि ये मेट्रिक बर्नियर कैलिपर है, तो दोस्तों इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, दोस्तों इसमें ऊपर होती है मेन स्केल। मान लीजिए हमने मूवेबल जा को जब खोला तो उसकी बर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मान के चला हमने कि 10.5 mm पर रुका जाके। तो दोस्तों इसका रीडिंग निकालने का सूत्र होता है, दोस्तों इसमें मेन स्केल के भाग, दोस्तों जितने भी भाग जो होता है बर्नियर कैलिपर पार कर लेता है, बर्नियर कैलिपर का जीरो पार कर लेता है, वो मेन स्केल के भाग उतने हम लिख लेंगे। मेन स्केल के भाग प्लस दोस्तों बर्नियर स्केल के भाग,
दोस्तों जो बर्नियर का जो बर्नियर स्केल का जो भाग मेन स्केल के जिस भाग से मिलान करेगा हम उस भाग को यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों हम इस यहाँ पर सीधे ही लिख लेते हैं प्लस बर्नियर स्केल के भाग। तो दोस्तों बर्नियर स्केल का जो भी भाग मेन स्केल के जिस भाग के बिल्कुल सीध में होगा हम उसी को लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जो है ये बारहवां भाग जो है बर्नियर स्केल का ऊपर वाले मेन स्केल के लाइन के बिल्कुल सीध में है, तो हम इसको यहाँ पर उसी को लिखेंगे। और फिर दोस्तों हम इसकी गुणा करा देंगे दोस्तों इसके लिस्ट काउंट से। दोस्तों इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको निकाल कर बताता हूँ यहाँ पर मेन स्केल के कितने भाग तय कर लिए, 10। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 प्लस। दोस्तों यहाँ पर बर्नियर स्केल का कौन सा भाग ऊपर के मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सीध में है, मान लिया हमने बारहवां भाग बिल्कुल सीध में है। अब दोस्तों हम इसकी गुणा करा देंगे इसके लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा, 10 प्लस 0.24 12 × 24। तो दोस्तों ये हम जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 10.24 mm। दोस्तों इस तरीके से आपकी रीडिंग निकल कर आती है। दोस्तों मीट्रिक वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग निकालना बहुत ही आसान होता है, आप ये सूत्र याद कर लीजिए जैसा मैंने बताया है और वैसे ही आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल आएगी। अब दोस्तों मैं आपको रीडिंग निकालना बताऊंगा ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर्स की। दोस्तों इसमें क्या होता है, 1 inch की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है मेन स्केल में, और फिर प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो सबसे छोटा भाग जो होता है ये 1/40 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें बर्नियर मेन स्केल के 24 भाग जो होते हैं बर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसकी रीडिंग निकालने का सूत्र होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए जब 1 inch की रीडिंग पूरी हो जाए, जब यहाँ पर 10 लिखा है दोस्तों, 10 जब 10 पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर पूरा 1 inch हो जाता है। तो दोस्तों जब 1 inch पूरी रीडिंग हम बर्नियर स्केल का जो जीरो हो वो अगर 1 inch के पार हो जाए तो हम उस 1 की गुणा कराएंगे 1 से, और अगर 1 inch के रीडिंग अंदर ही रहती है तो इसको हम मुख्य भाग कहते हैं, जो ये 1, 2, 3, 4 लिखे हैं इनको हम मुख्य भाग कहते हैं। अगर अंदर रहती है 4 या 5 पर या 1 inch से भीतर रहती है तब हम उसकी गुणा कराते हैं 0.1 से। उसके बाद में दोस्तों अनुभाग क्या होते हैं, जो ये बड़े बड़े भाग होते हैं इनको 4-4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमको मैक्सिमम 3 अनुभाग ही मिलते हैं। दोस्तों हम पिछले अनुभाग 1 भी नहीं गिनेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अनुभाग हमको मैक्सिमम 3 ही मिलते हैं, और अनुभाग जितने मिलेंगे उनकी गुणा हम 0.025 से कराते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लिखते हैं बर्नियर का वह भाग लेते हैं जो मेन स्केल के बिल्कुल सीध में होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरे 25 भाग हैं, 25 होते हैं, तो दोस्तों मान लिया हमने पंद्रहवा भाग जो है बर्नियर स्केल का मेन स्केल के बिल्कुल सीध में है। तो दोस्तों यहाँ पर बर्नियर का जो भी भाग होगा उसकी हम गुणा कराएंगे इसका लिस्ट काउंट है 0.001। तो दोस्तों उसके बाद में हम इन सबको लेंगे जोड़, ये आपका निकल कर आएगा दोस्तों कुल। तो दोस्तों ये निकल कर आएगा कुल पाठ्यांक। मक्खी भगाओ तो नहीं पूछ। तो दोस्तों यहाँ पर 1 inch की रीडिंग अभी पूरी नहीं हुई है,
जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हमने इसके मूवेबल जार को खोला है तो बर्नियर स्केल के 0-0 ने केवल 5 मुख्य भाग ही तय किए हैं। तो दोस्तों 5 यहाँ पर मुख्य भाग तय किए हैं, इनकी हम गुणा कराएंगे 0.1 से, क्योंकि 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग का मान कितना निकल कर आएगा, 1/10। जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.1। तो मुख्य भाग की गुणा कराते हैं हम 0.1 से, तो ये आपका निकल कर आया 5। तो दोस्तों उसके बाद में अनुभाग, दोस्तों अनुभाग हम हमेशा मुख्य भाग के आगे के ही गिनेंगे। तो अनुभाग कितने तय कर लिए, 1 और 2। तो दोस्तों 2 की हम गुणा कराएंगे 0.025 से, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटा भाग जो होता है वो अनुभाग होता है। तो इसके सबसे छोटे भाग का मान होता है 1/40। दोस्तों सबसे छोटे भाग का मान होता है 1/40, और जब हम इसको भाग करते हैं तो आता है 0.025। इसीलिए हम इसके अनुभाग की गुणा कराते हैं 0.025 से। तो दोस्तों ये कितना आएगा, 0.05 आएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा भाग मेन स्केल के कौन से भाग से मिलान कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्नियर स्केल का 15वां भाग जो है वो मिलान कर रहा है मेन स्केल के भाग से, तो इसलिए हम इसकी गुणा कराएंगे इसके लीस्ट काउंट से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा 0.015। दोस्तों उसके बाद में हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो दोस्तों हमारा ये आएगा 1.56। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कुल रीडिंग निकल कर आई है 5.065, और दोस्तों ये आपकी इंच में निकल कर आई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये रीडिंग ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर्स की भी रीडिंग निकालनी आ गई होगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों कमेंट करिए, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक।